आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है सोलंकी गांव की, जहाँ एक गरीब परिवार रहता था और उनका खेती का काम था, उसी से ही वो अपना गुजारा चलाते थे। घर के लिए साग सब्जी तो वो खेत में उगा लेते थे, जिससे उनका थोड़ा बहुत घर चल जाता था। उनका घर भी पक्का नहीं था, मिट्टी से बनी बस चार दीवारी थी। उनके तीन बच्चे थे और उनका सबसे बड़ा लड़का केशव पढ़ने में काफी होशियार था, पर वो जानता था कि उसके माँ बाप उस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। एक दिन वो अपने माता पिता को कहता है, मम्मी पापा मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा इतना अच्छा काम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री करा दीजिए क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही से हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। हाँ बेटा तुम सही बोल रहे हो, तुम चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके तुमको पढ़ा दूंगा, बस तुम खूब मन लगा कर पढ़ना। फिर केशव के पिता उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर लेते हैं और केशव पढ़ने के लिए अपने मामा के घर चला जाता है क्योंकि वहाँ से उसका कॉलेज ज्यादा पास पड़ता था। फिर एक दिन केशव अपने मामा से कहता है, मामा जी मैं कुछ साल आपके पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ से मेरा कॉलेज बहुत पास है, और एक बार मेरी डिग्री आ जाए फिर मैं वापस अपने घर जाकर मम्मी पापा की मदद करूंगा। हाँ बेटा तुम बेझिझक यहाँ रह सकते हो, और यहाँ मिंको और चिंकी भी हैं, तुम उनकी भी पढ़ने में मदद कर देना। जी मामा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। केशव के मामा काफी अमीर और अच्छे पैसे वाले थे, साथ ही साथ वो बहुत सी सीधी और अच्छे इंसान थे, पर उनके बच्चे उनके एकदम उल्टे थे। उनमें अपने पापा के पैसों का काफी घमंड था। फिर केशव का आखिरी साल हो रहा था इंजीनियरिंग कंप्लीट होने में, तभी एक दिन उसके मामा के बेटे ने उससे कहा, केशव तेरा तो घर भी अच्छा नहीं है, वो मिट्टी का छोटा सा घर ही है, और तेरे माँ बाप की इतनी हैसियत भी नहीं है, फिर वो तुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो अपने घर पढ़ाते, हमारे घर क्यों भेज दिया। ये बात सुनते ही केशव बहुत उदास हो जाता है और उसी दिन वो अपने मामा का घर छोड़कर अपने घर चलने लगता है। तभी उसके मामा उसे कहते हैं, केशव क्या हुआ बेटा, अभी तो तुम्हारी डिग्री भी पूरी होने में टाइम है, तो फिर तुम इतनी जल्दी क्यों घर जा रहे हो, किसी ने तुमको कुछ कहा है क्या बेटा, बेटा ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। केशव अपने मामा को कुछ नहीं बताता और उनसे कहता है, नहीं मामा जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था और वहाँ पर पापा की तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर केशव वहाँ से चला जाता है और वो रोज अपने गाँव से कॉलेज आता था। पूरे दिन कॉलेज से पढ़ाई करके शाम में वो अपने पिता का हाथ बटाता था। फिर कुछ समय बाद केशव की इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो कॉलेज से प्लेसमेंट लेकर एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है। वहाँ उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते, पर वो उसी में अपना गुजारा कर लेता था, और सैलरी आने पर वो अपने माता पिता से कहता है, कैसी बात कर रहा है बेटा, बेटे की कमाई कितनी भी हो माँ बाप के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। मम्मी पापा ये मेरी पहली तनख्वाह है, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर आप दोनों का हाथ बटाने के लिए मेरा छोटा सा सहयोग है। केशव ऐसे ही अपनी कमाई अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करने में लगा देता है। फिर धीरे धीरे वो आगे और कंपनियों में ट्राई करने लगा और शहर में जाकर नौकरी करने लगा। उसने कामयाब होने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब भी वो सुबह उठता था उसे हमेशा अपने मामा के लड़के की एक ही बात याद आती थी। वहीं दूसरी ओर केशव के मम्मी पापा भी कामों में लग जाते हैं। उसके पापा ने एक परचून की दुकान खोल ली थी और जो भी पैसे केशव उन्हें भेजता था उससे वो अपना दुकान चलाते थे। और दूसरी ओर केशव की माँ थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और उनसे जो पैसे आते थे सब केशव के छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में लगा देते थे। केशव अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि उनके परिवार में सबसे ज्यादा गरीब परिवार उनका ही था, तो जब भी उसके परिवार में कोई फंक्शन होता था वो मना कर देता था ताकि लोग उनकी गरीबी का मजाक ना बनाए। एक दिन केशव अपने माता पिता से कहता है, पापा मम्मी मैं आज आप दोनों से एक वादा करता हूँ कि जल्दी ऐसा दिन आएगा
जो लोग आज हमें नहीं पूछते वो ही हमें पूछेंगे। आपको एक दिन अपने बेटे पर गर्व होगा और सारे रिश्तेदारी में आपके बेटे की चर्चा होगी। बेटा, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन से हम ये बात जानते हैं कि भगवान ने हमें बहुत ही अनमोल रतन दिया है जो हर किसी को नहीं मिलता। तूने आज हमें इतना काबिल तो कर ही दिया कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं और अपने खर्चे निकाल रहे हैं। ऐसे ही खुश रहो बेटा और कामयाबी हासिल करो। उसके बाद से केशव के पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो एक बड़ी सी कंपनी में अच्छी सी पोस्ट पर लग जाता है और फिर वो ज्यादा से ज्यादा बचत करने लगा, जिसके बाद वो अपना बड़ा घर बनाने में लग गया था। और उसके दूसरी ओर जो उसके मम्मी पापा पैसे जमा कर रहे थे वो दोनों बच्चों की पढ़ाई में लगा रहे थे और बाकी की सारी जिम्मेदारी केशव ने संभाली हुई थी। एक दिन केशव अपने भाई से कहता है, भाई तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और अच्छे से कामयाब हो जा, बाकी किसी बात की चिंता मत कर, बस जिसमें भी तेरा मन लगता हो तू वो काम कर और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ भैया, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा कामयाब होने में और आपकी तरह ही मम्मी पापा का सिर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। कुछ समय बाद केशव ने अपनी मेहनत से अपना बहुत बड़ा घर बना लिया था, जैसा उसके पूरे परिवार में किसी के पास भी नहीं था। और उसके परिवार का रहने खाने का ढंग भी बदल गया था और उसके भाई बहन भी काफी इंटेलिजेंट थे, जिस कारण उनकी भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। केशव ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का वक्त बदल दिया था। फिर उसके माता पिता उससे कहते हैं, बेटा केशव, तूने तो हमारा वक्त ही बदल दिया। आज हम तेरी वजह से जगह पहुंच गए हैं कि अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। अगर आप दोनों मेरा साथ नहीं देते तो मैं आज कुछ भी नहीं बन पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके जैसे माता पिता मिले। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हमारे मन में कुछ करने की लगन हो और परिवार का साथ हो तो हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। केशव के परिवार ने उसकी बहुत मदद की। उसके माँ बाप ने भी खेती बाड़ी छोड़कर दूसरा काम करा ताकि वो अपने और बच्चों को कामयाब कर सके। इस कहानी से हमें समझ आता है कि परिवार के साथ से हम अपना वक्त बदल सकते हैं, कोई भी मुसीबत पर जीत पा सकते हैं और जीवन में कामयाब हो सकते हैं।